आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारत के संविधान को लेकर विभिन्न वर्गों के लोग क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है ये संविधान जब बनाया, हम उनको संविधान के शिल्पकार कहते हैं, उसके भी रीजंस आपको पता होंगे कि जो है जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति में जो है 7 सदस्य थे, तो 6 सदस्य अलग अलग रीजन से जो है संविधान के इस प्रारूप बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें हिस्सा नहीं ले पाए। तो पूरी जो है प्रक्रिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने जो है निभाई और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये संविधान वो पूरा हो गया। अभी उन्होंने जब बोला था कि जो है संविधान में कुछ बदलाव हो करने की जरूरत आएगी फ्यूचर में, यानी हमारा संविधान लचीला है, इज नॉट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी जो रिसेंटली 370 आर्टिकल उस पर हम बात करेंगे, 370 आर्टिकल अभी जो है उसका जो है इस भारत सरकार ने जो उसमें संशोधन करके ये हटा दिया संविधान से। तो ये भी जो एक चीज़ है कि अभी का वो हटाने से क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख ये जो रीजन के लोग हैं, ये वहाँ का जो युवा वर्ग है उनको अभी क्या है कि शिक्षा ठीक तरह से भारत सरकार दे सकेगी, उसका जो है रोज़गार में जो है प्रोग्रेशन होगा। 370 के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तभी से थे जब नेहरू जी ने उनको बताया गया था कि जो है 370 ऐसे में जो है इसको विशेष अधिकार देने हैं जम्मू कश्मीर को। उसी टाइम से जो है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो 370 के खिलाफ थे और 370 ये उन्होंने लिखा नहीं, तो ये 370 उसका इम्प्लीमेंटेशन आज हमें दिख रहा है। लगभग 104 आज तक जो है हमारे भारतीय संविधान में संशोधन हुए हैं, तो ये हमें ये दर्शाता है कि हमारा जो संविधान है दैट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और इसमें जो है जैसे ही समाज का परिवर्तन होता है उसमें जो है कुछ चेंजेस आते हैं आएंगे और भारत को सशक्त करने के लिए ये संविधान संशोधन होना ये जरूरी है, ये भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया था। भारत के जिस भी नागरिक के पास वोट है, वोट का अधिकार है, उसको संविधान की बेसिक चीज़ों की जानकारी अवेयरनेस होना भी चाहिए। ये उसका राइट ही नहीं है, उसकी ड्यूटी भी है, क्योंकि उसके बिना डेमोक्रेटिक नेशन में आप अपने वोट की वैल्यू अगर नहीं समझते हैं तो आप अपनी सरकार को ना नियंत्रित कर सकते हैं, ना ही नागरिक के रूप में आपको जो अधिकार संविधान ने दिए हैं आप उनका उपभोग कर सकते हैं मुक्त होकर के। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि संविधान की बेसिक समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सभी को होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे अमेरिका जो आज दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली देश है, अमेरिका का संविधान इस नारे के साथ शुरू हुआ था कि प्रतिनिधित्व तो नहीं कर नहीं, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। इसलिए अमेरिका के लोगों ने पूरा क्रांति कर दी और अपने देश को आज़ाद करा दिया। यही जो सिद्धांत है वो हमारे देश के संविधान में भी बिल्कुल लागू किया गया है। जो पैसा नागरिक हम नागरिक के रूप में मैं जो टैक्स देता हूँ वो सरकार मेरे ऊपर खर्च करती है और मेरे फेलो सिटीजंस के ऊपर खर्च करती है जो इतने भाग्यशाली नहीं है, लेकिन उस पैसे को नियंत्रित करने का काम मेरा है। सरकार अगर पैसे को खर्च करेगी तो सरकार को मेरे से पूछ करके खर्च करना है। और एक सिंपल एग्जांपल और है कि हमारे संविधान ने मजबूत सरकार नहीं मजबूत नागरिक बनाए हैं। सरकार भले ही एक दिन के लिए रहे लेकिन वो मेरे ऊपर, मैं नागरिक हूँ, मेरे ऊपर निर्भर रहे। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अकाउंटेबिलिटी को ऊपर रखा है स्टेबिलिटी के।